Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली रूटीन और उसके अलावा हम लोगों ने वीकेंड पे क्या क्या किया। तो ये क्लिप है फ्राइडे का और यहाँ पर सुबह सुबह मैं रेडी हो रही थी बच्चों के स्कूल जाने के लिए। उनके स्कूल में था काइट फ्लाइंग फेस्टिवल और सिर्फ किंडरगार्टन के बच्चे ही ये सेलिब्रेट कर रहे थे। सो मैंने पैक कर ली थी अपनी सारी काइट्स जितनी भी मैं लेके जा रही थी एंड मेरी फ्रेंड के साथ में बस मैं अब निकल गई हूँ उनके स्कूल के लिए। यहाँ दुबई में रह के हम इंडिया की बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन्हें मिस करते हैं, बट उसमें से सबसे ज़्यादा जो हम लोग यहाँ पर मिस करते हैं वो है पतंग उड़ाना। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जैसे ही स्कूल से वापस आते थे बिना कपड़े चेंज किए सीधे छत पे जाते थे और पतंग उड़ाना शुरू करते थे। उस टाइम पर भूख प्यास कुछ भी चीज़ का हमें अंदाज़ा ही नहीं रहता था और बहुत ज़्यादा हम लोग मज़े करते थे। और जब भी मम्मी या डैडी हमको स्कूल से लेने आते थे तो उसके बाद हम लोग जाते थे वीनस बेकरी, जहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सा हम लोग बर्गर खाते थे और उसके अलावा जो भी बेकरी आइटम्स हमें लेने होते थे तो वो हम वहाँ से ले लेते थे। सो यहाँ पर बस मैं बच्चों को अपनी फ्रेंड के साथ लेके गई थी हमारे घर के पास में जो सूक एक्स्ट्रा है वहाँ पर। वी हैड अ डोनट देयर और बस घर आके थोड़ा बहुत मुझे काम करना था, मैंने वो किया। एंड जो अब क्लिप आप देख रहे हैं ये है नेक्स्ट डे का। सो कुणाल का बर्थडे आ रहा है कुछ दिनों में, सो हम लोग गए थे मॉल टू बाय हिम अ गिफ्ट। सो ये है मिर्दिव सिटी सेंटर जो हम सुबह 11:30 बजे पहुँच गए थे, बट यहाँ पे जो शॉप हम ढूंढ रहे थे वो थी नहीं। सो नेक्स्ट वी वेंट टू दिस मॉल कॉल्ड फेस्टिवल सिटी, यहाँ पे वो शॉप थी। हम लोगों ने बड़े अच्छे से जो चीज़ हमें स्पेसिफिकली पसंद थी वी पिक्ड अप दैट एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। वहाँ से फिनिश होने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मोमोसो, जो कि किसी भी मॉल में हो मैं और काव्या तो डेफिनेटली एक ना एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करके आते हैं। और यहाँ पर घुसते ही मुझे देखे सनग्लासेस, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग और मुझे काफ़ी कूल लगे ये वाले, बट मैंने अभी रिसेंटली ही लिए थे तो मैंने यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया। एंड काव्या ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई सम, सो बच्चों ने यहाँ पे ट्राई किया। मैं एक्चुअली मोमोसो आई थी फेशियल क्लेंजर्स फेस वॉश लेने के लिए, सो मैंने यहाँ से वो लिए विच आई विल शो यू इन सम टाइम। उसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू कि काफ़ी दिनों से मैं बहुत लो फील कर रही थी इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग इट विद यू ऑल। सो इसी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियोस लेट हो जाते हैं एंड व्यूज़ भी कभी कभी जब अच्छे नहीं आते, रिस्पॉन्स जब नहीं आता एज़ एक्सपेक्टेड तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उस पर कॉमेंट लाइक और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो बस यहाँ पर हम लोग पूरा मोमोसो घूम घाम के यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम हियर।
सो एज आई टोल्ड यू कि मुझे यहाँ से लेने थे फेशियल क्लेंजर्स, फेस वॉश, एंड वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कलेक्शन था. सो यहाँ से मैंने एक एलोवेरा और एक हाइलोरोनिक एसिड का फेस वॉश लिया. उसके अलावा आई ऑल्सो टुक अ मिनी, ये वाला मिनी जो है फेस पैक, मैंने यहाँ से एलोवेरा का ही लिया. और उसके अलावा देयर इज़ अ टॉवल जो हेयर ड्राइंग के लिए यूज़ होता है, छोटा सा टॉवल होता है, मैंने एक वो भी यहाँ से लिया फॉर काव्या. क्यूट टॉयज़ के अलावा यहाँ पे बहुत ही क्यूट जो है स्किन केयर भी रखा हुआ था. सो दीज आर ऑल बाथ बॉम्ब्स जिसमें बहुत ही क्यूट डिज़ाइंस थे. दीज वर ऑल कपकेक्स एंड पुडिंग स्टाइल में ये बाथ बॉम्ब्स थे यहाँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे. ये मैंने नहीं लिया बट उन्होंने मुझे अपसेल करके एक परफ्यूम जो है वो थमाई दिया एंड आई ऑल्सो हैप्पीली टुक इट. उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले एंड वी वेंट टू अ वेरी क्यूट कॉन्सेप्ट स्टोर कॉल्ड बिल्ड अ बेयर, जहाँ पे बच्चे अपनी पसंद का सॉफ्ट टॉय चूज़ कर सकते हैं. उसके अंदर फर या कॉटन जो भी है वो भी बच्चे ही फिल करवाते हैं एंड देन दे कैन चूज़ दिस क्यूट एक्सेसरीज जो यहाँ पे अवेलेबल थी. ऑफकोर्स एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें लगा. 150 मिनिमम है एक टॉय का और उसके अलावा जो भी एक्सेसरीज आप ऊपर से डलवाते हो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 33 दिरहम्स. एंड यहाँ पे बच्चे बस इस रोबोट के साथ खेल रहे थे. और 14th को मकर संक्रांति है तो उसके लिए हम लोग पहुँचे थे करामा वाले मधुर स्टोर्स में, जहाँ से हमने लेनी थी काफ़ी सारी पतंगे और चरखियाँ. तो हम लोगों का ये प्लान था कि संडे को जिस दिन संक्रांति है उस दिन वी विल गो टू ईदर क्रीक पार्क या फिर हम जाएंगे ममजार बीच जहाँ पे इवेंट्स हो रहे थे. तो बाद में जब हमने टिकट खरीदने का सोचा तब वी रियलाइज्ड कि वहाँ पे बाहर की पतंगे अलाउड नहीं है एंड वी हैड ऑलरेडी बॉट अ बिग स्टॉक ऑफ पतंग. तो हम लोगों ने टिकट्स वहाँ से नहीं लिए बट हम लोग स्टिल वहाँ गए थे और बाहर ही हम लोगों ने वहाँ पे बीच साइड पे ही पतंगे उड़ाई विच आई विल शो यू. और हमने काफ़ी सारी पतंगे यहाँ से ली. सो दिस इज़ द ममजार पार्क जहाँ पे अंदर पतंगे उड़ाना फॉर सम रीज़न दे वर नॉट अलाउइंग अस. यहाँ से हम लोग खा पी के निकले बाहर. हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे. हम लोगों ने समोसा और चाय यहाँ पर बहुत अच्छी सी इंजॉय करी. और ये जो है ये है ममजार बीच का साइड पार्किंग का एरिया जो है वहाँ. तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं से हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं. तो काफ़ी अच्छी उस टाइम तक हवा चलने लग गई थी एंड वी हैड अ ब्लास्ट. हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा इन्जॉय किया. काफ़ी गर्मी थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और यहाँ पे काव्या जो है ना वो सबको रिकॉर्ड कर रही थी. आसपास जितने लोग थे शी वॉज़ रिकॉर्डिंग एवरीवन. और कविश भी पतंगबाजी अभी थोड़ी थोड़ी सीख रहा है तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे पतंग उड़ाने में और काव्या को मज़ा आ रहा था मुझे रिकॉर्ड करने में. यहाँ पे मोस्टली लड़के ही थे जो पतंगे उड़ा रहे थे एंड आई वॉज दी ओनली फीमेल जिसकी पतंग इतनी ऊंची हवा में उड़ रही थी बाय माई सेल्फ. तो लोग बड़े सरप्राइज होकर मुझे देख रहे थे एंड वन ऑफ देम ऑल्सो आस्क्ड मी कि आपको पतंग उड़ानी आती है. बड़े उनको बड़ा शॉक लगा ये सुन के. सो आई टोल्ड देम कि भाई हम लोग जयपुर के हैं और जयपुर में हर लड़की को पतंग उड़ानी तो आती ही है.
यहाँ से थक के चूर हो के, गर्मी बहुत थी, तो यहाँ से हम लोग निकले अराउंड 2:30 के आसपास टू हैव लंच। और आज हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग खाएंगे मस्त सी राजधानी वाली थाली। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं राजधानी रेस्टोरेंट जो करामा में ही है, और यहाँ बहुत अच्छी सी हमने थाली खाई, छाछ पी, और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। पूरा दिन आज हम लोगों ने एंजॉय किया, और बस उसके बाद अराउंड 4:30 हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। एंड दैट इज़ इट गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप यू एंजॉयड इट, और अगर आप लोगों ने ज़रा भी इंजॉय किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जयराम जी की।